नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में राज्य सरकार की तरफ से राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के साथ साथ देश और विदेशों से भी आए कलाकारों ने रामायण का मंचन किया और यहां पहुंचे लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 3 दिन तक चले आयोजन में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। छत्तीसगढ़, भगवान राम का ननिहाल, क्योंकि माता कौशल्या का मायका चंदखुरी है, जहां मां कौशल्या का भव्य मंदिर है। और इस लिहाज से हर छत्तीसगढ़िया के लिए भगवान राम भांचा यानी भांजा हैं। वैसे छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य क्षेत्र वो क्षेत्र भी है जहां प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल में सबसे अधिक समय व्यतीत किया। और इसी के मद्देनजर सरकार ने दंडकारण्य में अरण्य कांड की सोच को लेकर रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का 3 दिन का आयोजन किया। इस आयोजन के पहले दिन सीएम भूपेश बघेल ने जिले को कई करोड़ की सौगात दी। महोत्सव के शुभारंभ के साथ ही सीएम भूपेश बघेल का रामचरितमानस की प्रति और गमछा देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राम के चरित्र में छत्तीसगढ़ का भी अंश है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में हमन देखथन तो हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े योगदान कावेर की 14 साल में 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं और ये 10 साल में बहुत कुछ भगवान राम से हमन सीखे भी हैं और यहाँ के ऋषि मुनियन से, यहाँ के परंपरा से और यहाँ के रीति रिवाज में लगातार रहे से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के कुछ न कुछ अंश भगवान राम में भी, उकर व्यक्तित्व में, उकर चरित्र में भी देखेल मिलते। अरण्यकांड की थीम पर मंच को पर्णकुटी के रूप में सजाया गया। साथ ही यहां अलग अलग प्रदेशों से आए कलाकारों ने मार्च पास्ट भी किया। और देखिए कि राम लीला तो हमारे संस्कृति की पहचान है, लेकिन सिर्फ भारत और ठीक उनके पीछे कंबोडिया के दल, 12 लोगों का या सदस्यों का दल यहाँ पर आया हुआ है। अपने पढ़त है सुंदर अपन परिधान के साथ अपन प्रस्तुति देवत हुए। ये सिर्फ आप मन के बीच एक झलकी है और ये झलकी आप देखोगे 3 दिवस तक होने वाला ये आयोजन मा ये सब दंदर प्रस्तुति पर हमन जानथन, लेकिन बिहू के अलावा भी होकर अनेक जानथन की चाय के सुंदर सुंदर बागान है और चाय के पत्ती तोड़त तोड़त घलो उमन संगीत ला नहीं भुलावे, प्रभु श्री राम ला नहीं भुलावे और तभी आगे है छत्तीसगढ़ के सुघर माटी मा। कलाकारों ने पहले दिन अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में पहले दिन कंबोडिया से आए विदेशी कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। महोत्सव में मर्यादा पुरुष श्री राम के सुंदर चरित्र का कंबोडियाई भाषा से लेकर देश की विभिन्न भाषाओं में मंचन किया गया। भले ही कई भाषाएं स्थानीय दर्शकों की समझ में न आने वाली थीं, लेकिन कलाकारों के भावों से ही लोग रामायण के अरण्यकांड के विभिन्न प्रसंगों का आनंद उठाते नजर आए। ये पहली बार हो रहा है जब प्रदेश में देश विदेश के कलाकार अपने स्थानीय मान्यताओं के अनुसार रामायण प्रस्तुत कर रहे थे। Thank you.
कर्नाटक की टीम ने कन्नड़ भाषा में रावण द्वारा सीता हरण के मार्मिक दृश्य को नृत्य नाटिका के माध्यम से मंचन किया। उनकी वेशभूषा और मुकुट को देख दर्शकों में एक अलग ही उत्साह का संचार हुआ। राम कथा की प्रस्तुति में शास्त्रीय परंपरा के साथ ही स्थानीय स्तर पर चल रही कला परंपरा को भी शामिल किया गया। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में मुंबई से आई गायिका षणमुख प्रिया ने भी अपने भजन से ऐसा समा बांधा कि हर कोई उसमें डूब गया। उस राम को मिट्टी में मिला देंगे। लंकेश, राम को उसकी सुंदर भार्या सीता अत्यंत प्रिय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सीता राम के प्राण है। आप राम के इन प्राणों का हरण कर लीजिए। राम की वह भार्या सीता। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में पूरा रायगढ़ राममय नजर आया। देसी विदेशी मंडलियों ने मंच से रामलीला का मंचन किया और भजनों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। रायगढ़ राममय है। दंडकारण्य में अरण्य कांड सबको श्री राम की भक्ति में सराबोर करता है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में देशी विदेशी मंडलियों ने रामलीला हर तरफ आस्था और भक्ति घोल दी। मेरे श्री राम, मैं आपके चरण पकड़ती हूँ। नहीं माता, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपके स्नेह भरे अश्रुओं से मैं पहले ही पवित्र हो गया। प्रभु, आपको भूख लगी होगी ना? कई वर्षों से प्रतिदिन ये मीठे मीठे बेर आपके लिए चुन कर लाती हूँ। खाइए प्रभु, खाइए। भैया, खाओ लक्ष्मण। महोत्सव के दूसरे दिन 8 राज्यों की रामायण मंडली ने मंचन किया। झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, हिमाचल, गोवा और छत्तीसगढ़ की मंडलियों ने पूरे माहौल को राममय बना दिया। राम भजन की गूंज ने कानों में मिश्री घोल दी। लक्ष्मण, तुम थक गए होगे, जाओ जाकर थोड़ा विश्राम कर लो। भैया, जब आप प्रसन्न होकर मंद मंद मुस्कुराते हैं तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। स्वामी, कहो सीते। कितना मनोहर स्थान है। हमारा मन चाहता है कि हम वनवास का शेष समय यही व्यतीत करें। दंडकारण्य वो क्षेत्र है जहाँ भगवान श्री राम ने वनवास का एक लंबा वक्त गुजारा था। यहाँ प्रभु श्री राम की यादें बसी हैं। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या और शबरी माँ का भी प्रदेश है। ऐसे में इस क्षेत्र में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन भी खास होता है।
रायगढ़ के ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन की सबसे खास बात ये कि इसकी थीम रामायण के अरण्य कांड पर आधारित है। कार्यक्रम के मंच को अरण्य कांड की थीम पर ही सजाया गया। इस महोत्सव में अरण्य कांड पर आधारित राम कथा की प्रस्तुति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंडलियों द्वारा दी गई। अरण्य कांड तुलसीदास के रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें भगवान राम के वनवास के दिनों का जिक्र है, जिसमें माता सीता और लक्ष्मण ने भी उनके साथ वनवास काटा। कृपा करके लांघेगा मत, और जो कोई भी दुष्ट से लांघेगा वो मेरी क्रोधाग्नि से भस्म हो जाएगा। रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 3 जून तक चला। इस दौरान इंडोनेशिया कंबोडिया के रामायण दलों के मंचन ने राम की व्यापकता को दिखाया, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के इन देशों में रामायण के रूप में प्रचलित हैं। हरपाल सिंह, न्यूज 18, रायगढ़। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के तीसरे और आखिरी दिन रायगढ़ के रामलीला मैदान में केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की रामायण मंडलियों ने प्रतियोगिता वर्ग में महाकाव्य रामायण के अरण्य कांड के विभिन्न प्रसंगों पर भावपूर्ण प्रस्तुति दी। रायगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में शामिल हुई रामायण मंडलियों ने अपने क्षेत्र की पारंपरिक वेशभूषा और अपने अपने विशिष्ट अंदाज में राम कथा की संगीतमय प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। तीसरे दिन केरल की रामायण मंडली ने संगीतमय प्रस्तुति देते हुए शूर्पणखा प्रसंग से लेकर रावण वध तक के प्रसंग की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। पारंपरिक वेशभूषा के साथ प्रस्तुति में केरल में भगवान राम की महिमा की सुंदर अभिव्यक्ति दी गई। कलाकारों ने भक्ति और भाव के मिश्रण का जीवंत प्रदर्शन किया। इस दल के कलाकारों की आंखों को लेकर भाने वाली रंग बिरंगी पोशाक और शास्त्रीय नृत्य कथकली की शैली में दी गई प्रस्तुति ने 4 चांद लगा दिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की रामायण मंडली ने भी तीसरे दिन अरण्य कांड पर भावपूर्ण प्रस्तुति दी। खास बात यह रही कि सभी पात्र अपने अपने संवाद खुद बोल रहे थे। वहीं बंगाल के रामायण की अद्भुत प्रस्तुति मूल रूप से कृतिवास की रामायण पर आधारित थी। कृतिवास ने श्री राम के कोमल पक्षों को उभारा। वे बहुत भावुक हैं, क्योंकि अरण्य कांड में सीताहरण जैसे कारुणिक प्रसंग हैं, इसलिए ये इस कथा में साफ तौर पर उभरती नजर आई। इन सब के चलते ही प्रदेश के कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी, जिनमें दंतेवाड़ा के सुदूर वनांचल क्षेत्र बचेली से आई रामायण मंडली ने भी रोचक अंदाज में प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया। इस टीम में महिला सशक्तिकरण की भी साफ झलक दिखाई दी, क्योंकि प्रारंभिक स्तुति महिला कलाकारों के द्वारा गाई गई। महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन केलो महाआरती का भी आयोजन किया गया,
जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मां केलो की आरती की। वहीं सबसे खास बात ये रही कि इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया। ये रिकॉर्ड राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में अरण्य कांड पर सबसे ज्यादा देर तक की गई प्रस्तुति के लिए बना, जिसमें लगातार 765 मिनट तक अरण्य कांड का मंचन हुआ, जिसमें 375 कलाकार, 17 दल, 13 राज्य, 2 अंतर्राष्ट्रीय देशों से आई मंडलियों ने प्रस्तुति दी। इसके अलावा रायगढ़ में आयोजित किए गए राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में जिला प्रशासन की तरफ से भी एक रिकॉर्ड बनाया गया। यहां 10,000 से ज्यादा लोगों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ हमारी इस प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।